दोस्तों मार्केट व्यू के साथ हाजिर है। आज मार्केट ने सुबह के वक्त बहुत पैनिक शो किया, तकरीबन 486 पॉइंट मार्केट माइनस हुई। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मार्केट ने रिकवरी शुरू की और एक वक्त में मार्केट जो है वो पॉजिटिव जोन में दाखिल हुई। अच्छी खासी पॉजिटिव हुई मार्केट, लेकिन फिर सेलिंग प्रेशर देखने में आया। एंड पे मार्केट 97 पॉइंट माइनस रह गई नीचे। आपने देखा काफी बड़ी वीक है, यानी मार्केट ने काफी ज्यादा खुद को डिस्काउंट किया। तकरीबन 40,000 के लेवल से ऊपर मार्केट जो है वो आ चुकी थी, लेकिन 40,000 एक नफसियाती सपोर्ट है, वहां से मार्केट ने रिवर्सल लिया। मार्केट की आज की क्लोजिंग भी अपने इनिशियल इंडिकेटर से नीचे है, यानी मार्केट के पास अभी भी 40,000 जो 633 है, ये इनिशियल रेजिस्टेंस है। अगर ये क्रॉस होती है तो फिर 40,828 की रेजिस्टेंस है। तो मार्केट जो है वो मुसलसल 3-4 दिन से अपने इनिशियल इंडिकेटर जो है वहां से रजिस्ट होकर नीचे आ रही है। बाइंग वॉल्यूम को देखें तो गुज़िश्ता 3-4 दिन से आज वॉल्यूम ज्यादा है। आज एक और भी बात आपसे करनी है कि ये कंपनीज जो है ये बाइंग क्यों कर रही है, तो उसमें भी हम देखते हैं कि क्या वजह है कि जो अग्रेसिव प्लेयर है वो मार्केट से निकल रहे हैं और जो कंपनीज है वो बाइंग कर रही है। तो अब आप देखें जो आज मार्केट ने खुद को ड्रिल किया है वो ऑलमोस्ट प्रीवियस जो मार्केट का चैनल है, मार्केट उसी के अंदर अब रहने को तरजीह दे रही है। यानी वो लेवल था 40,800 का, वो मार्केट क्रॉस करती हुई नजर नहीं आती और उससे नीचे नीचे ही नजर आ रही है। तो आने वाले दिनों में चूंकि कोई पॉजिटिव खबर नहीं है, IMF की तरफ से भी कोई ऐसी खबर नहीं है, मजीद मुतालबात सामने आ रहे हैं और गवर्नमेंट को अगर इलेक्शन करवाने पड़ जाते हैं तो ये सियासी तौर पे भी गवर्नमेंट के लिए शायद चीज ठीक ना हो, तो पैनिक ही नजर आता है। लिहाजा कोई ना कोई लेवल स्टॉप लॉस का रखते हुए ही आपने बाइंग करनी है। जो स्क्रिप्ट आपको सजेस्ट किए जाते हैं वीडियो में वो छोटे मोटे स्विंग के लिए होते हैं, उनमें आपने स्टॉप लॉस के साथ अगर एंट्री लेनी है तो फिर आपने जल्दी प्रॉफिट टेकिंग भी करनी है जैसे ही वो ऊपर जाए। तो आज का बाइंग सेलिंग चार्ट देखते हैं, फिर कुछ स्क्रिप्ट आपसे डिस्कस करते हैं। आज के सबसे पहले बायर देखते हैं जी। बाइंग में आज कंपनी ने 3.19 बिलियन डॉलर्स की बाइंग की और उसके बाद जो है वो फॉरेन कॉरपोरेट्स ने 0.02 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की है, इंश्योरेंस ने 0.62 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की है। यही वो बाइंग थी जिसमें डिप से बाइंग हुई और मार्केट में काफी रिकवरी नजर आई, वरना मार्केट तकरीबन 500 के करीब पॉइंट माइनस करने जा रही थी। सेलिंग की बात करें तो बैंक्स ने 0.17 मिलियन डॉलर की सेलिंग की, ब्रोकर 0.39 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग, इंडिविजुअल ने 0.21 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की। उसके बाद म्यूचुअल फंड ने आज पहली सेलिंग की सुबह 2.62 मिलियन डॉलर्स की, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 0.40 मिलियन डॉलर्स और जो ओवरसीज पाकिस्तानी है 0.03 मिलियन डॉलर्स की इन्होंने सेलिंग की। तो कंपनीज जो बाइंग कर रही हैं इसमें देखें हर जो कंपनी है, हर तो नहीं मतलब मोस्टली जो कंपनियां हैं उन्होंने अपने शेयर बाय बैक किए और उन्होंने बाय बैक अनाउंस भी किया हुआ था। लकी का आप ले लें, मैपल लीफ ले लें, उसके बाद एंग्रो ले लें, ठीक है। तो एक तो कंपनीज बाय बैक कर रही हैं इसलिए कंपनीज की बाइंग ज्यादा नजर आ रही है। दूसरा कुछ होल्डिंग कंपनीज है, यानी जैसे गनी ग्रुप को आप ले लें, गनी ग्लोबल होल्डिंग, वो अपनी ही कंपनियों के शेयर बाय करते हैं। तो ये जो होल्डिंग BGL की भी होल्डिंग कंपनी है, आज उसकी अनाउंसमेंट आई है। तो कुछ कंपनी ग्रुप ऑफ कंपनीज ने होल्डिंग कंपनीज बनाई हुई हैं और कुछ कंपनियों ने खुद इटसेल्फ बायबैक प्रोसेस शुरू किया हुआ है। तो इस वजह से आपको कुछ दिनों से कंपनीज की बाइंग नजर आ रही है और आने वाले दिनों में भी कंपनीज की ही बाइंग नजर आएगी। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है और कंपनीज को फायदा क्या होगा ये किसी और दिन डिस्कस करेंगे। तो बाकी जो अग्रेसिव प्लेयर है, इंडिविजुअल है, म्यूचुअल फंड है, ब्रोकर है, तो वो तो मुसलसल कुछ दिनों से मार्केट से एग्जिट होते हुए ही नजर आ रहे हैं। तो लिहाजा आप थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा, कंपनीज की बाइंग को देख के छलांग लगाने की जरूरत नहीं है। कंपनीज का पोर्टफोलियो देखते हैं, फिर उसके बाद म्यूचुअल फंड देखते हैं क्या सेल किया है।
ये कंपनीज में और अदर सेक्टर जितने भी सेक्टर आ जाते हैं, ग्लास है, केमिकल है, या दूसरी कंपनीज है जिनने कुछ बायबैक किया है, कुछ होल्डिंग कंपनी ने अपने दीगर कंपनियों के शेयर लिए हैं, 1.83 मिलियन डॉलर्स की इधर से बाइंग है। सीमेंट सेक्टर में कुछ बाइंग है कंपनीज की 0.75 मिलियन डॉलर्स। फर्टिलाइजर आप देख लें, 1.11 मिलियन डॉलर्स की बाइंग है। तो फर्टिलाइजर में एग्रो की भी बायबैक शुरू है, लक्की की भी है। इस तरह ये चीजें जो है इनको देख के तो ये मत सोचें ये कंपनी इतना बाइंग कर रही है तो शायद कोई बूम आने वाला है। तो रीजन आपको बता दी है, डिटेल फिर किसी वक्त डिस्कस करेंगे। कमर्शियल बैंक्स को देखें तो कंपनीज ने वो सेल किए हैं 0.43 मिलियन डॉलर्स के। म्यूचुअल फंड्स जो है इनकी पैनिक सेलिंग है जी, हर सेक्टर में। सीमेंट को देखें, 0.71 मिलियन डॉलर्स का सीमेंट सेल किया है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन OGDC PPL देखें तो 0.79 मिलियन डॉलर्स के वो सेल किए हैं। बाकी भी तकरीबन सवाए पावर जनरेशन के 0.17 मिलियन डॉलर्स की बाइंग है इनकी। बाकी तमाम सेक्टर में म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग है। इंडिविजुअल्स को अगर आप देखें तो 1.112 का ऑल अदर सेक्टर बेचा है इन्होंने, और 0.68 मिलियन डॉलर्स का इन्होंने जनाब फर्टिलाइजर बेचा। तो इंडिविजुअल और म्यूचुअल सॉरी ब्रोकर जो है वो उन सेक्टर में से निकल रहे हैं जहां कंपनीज जो है वो माल इकट्ठा कर रही हैं। तो ये अपनी कंपनियों के जो शेयर्स बायबैक हो रहे हैं उनमें ज्यादा फोकस है इसका। बाकी इंडिविजुअल की जो बाइंग है वो सीमेंट में है 0.18 मिलियन डॉलर्स, कमर्शियल बैंक 0.21 मिलियन डॉलर्स, और ज्यादा बाइंग ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में 0.60 मिलियन डॉलर्स की इनकी बाइंग है सबसे ज्यादा। नीचे देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर और पावर सेक्टर में भी इनकी बाइंग है। टेक्नोलॉजी में 0.40 और पावर जनरेशन 0.27 मिलियन डॉलर्स। तो कल आपको बताया था कि पावर जनरेशन में हैप्को ने डिविडेंड देना है, कैपको आने वाले दिनों में डिविडेंड दे रहा है। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर को अगर आप देखें तो उसमें भी जो है वो बैंक अल हबीब अच्छा डिविडेंड देने जा रहा है। तो इन स्क्रिप्ट को आप नजर में रखें। बैंक अल हबीब आज का पहला स्क्रिप्ट है। कुछ दिन पहले भी मैंने इसमें बाइंग कराया, अभी मेरे बाइंग लेवल वही है। और मैंने आपसे कहा था कि इसने 7 रुपए डिविडेंड देना है और 10 तारीख को ये तकरीबन 9 या 10 को एक्स हो रहा है। तो आपने इसको एक तो करंट प्राइस पे बाय करना है, उस वक्त ये 52 रुपए 60 70 पैसे पे था, और दूसरा अगर ये 50 पे आए तब भी बाय करना है, और 48 49 के दरम्यान आए तो और ज्यादा बाय करना है। उसकी वजह ये कि यही इसकी डबल बॉटम बन रहा है इधर। तो एक दो दिन में अगर ये शार्प डिप लेता है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो ये ऊपर जाके 56 रुपए 57 रुपए पे जाके कहीं एक्स होगा और आपको एक अच्छी मूव मिल सकती है। तो ये स्विंग के लिए है, आप देखते हैं कि इसके अर्निंग में आपको एक्स डेट इसकी नजर आएगी। 10 तारीख है जी इसकी एक्स डेट, और 10 तारीख को इसने एक्स होना है, और 70% इसका डिविडेंड यानी 7 रुपए इसने डिविडेंड देना है। तो दोबारा मैं इसको इसलिए शामिल कर रहा हूँ क्योंकि भूल जाते हैं लोग, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, तो इसको डिप पे जरूर अकुमुलेट कीजिएगा। नेक्स्ट जो स्क्रिप्ट है वो है एवीएन। एवीएन देखें जी, कभी एक वक्त था कि ये टीआरजी और ये दोनों 64 से ऊपर नहीं थे जाते, नीचे रहते थे। तो अब ये तो 64 से नीचे आ गया। अब ये है कि इसका जो डबल बॉटम बनता है वो तकरीबन 59 से 60 रुपए के दरमियान बनता है। तो जितना ये 60 के करीब आपको अगर मिलता है, कोई शार्प डिप लेता है, तो सेकंड बाइंग वहां पे करें। करंट बाइंग आप इस करंट लेवल पे कर सकते हैं, सेकंड बाइंग 60 रुपए के करीब करें, 59 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस रखें। तो ये 63 से 64 रुपए की जो है ना वो अपसाइड की मूव 64 65 की आपको दे देगा। तो स्टॉप लॉस के साथ 59 के स्टॉप लॉस के साथ इसको नीचे अकोमोडेट करके तो इसका वेट किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी में जैसे ही मूव बनेगी तो ये 4 से 5 रुपए आपको अपसाइड की रैली में देगा और वहां प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। ये थे आपके स्क्रिप्ट, मिलता हूँ किसी और वीडियो में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।